एक गर्मी के दिन पर काले शोर वाले लंबे मस्तूल किनारे पर दिखाई देते। लंबी टोपी पहने पुरुषों के साथ 1000 नावें इसे कब्जा करने के लिए द्वीप पर उतर। विजयनगर की नौसेना समुद्र के चारों ओर अपना पड़ाव डाल चुकी है। त्रवंकोर, कोल्लम, पुल्लिकट, पेगू और तेन्नासेरीम के राजाओं ने खुद ने टेक लिया और इसी तरह सिन्हल को भी देवराय द्वितीय की ताकत के आगे घुटने टेकना पड़ा। पिछले 6-7 वर्षों से विजयनगर ने शांति का आनंद लिया जबकि बामनियों ने मालवा और गुजरात की सल्तनतों के साथ युद्ध किया। एक बार मालवा के होसांग शाह ने भेष बदलकर गंगा साम्राज्य में प्रवेश किया और बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाडी रेड्डी से हार गए और पीछे धकेल दिए। फिर वेल्लमाओं ने वारंगल से सिंगा तृतीय के नेतृत्व में बामनी शासन के खिलाफ तेलंगाना में विद्रोह किया और आजम खान को खदेड़ दिया। सुल्तान अहमद को सिंगा तृतीय को आदिनाथ में वापस लाने के लिए फिर से वारंगल तक कूच करना पड़ा और संजर खान को जगह का प्रभारी छोड़ दिया। जल्द ही सुल्तान का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अलाउद्दीन अहमद द्वितीय बन गया, जिसने तत्काल विजयनगर के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने अभियान का नेतृत्व करने के लिए अपने भाई मोहम्मद खान को इमादुल मुल्क के साथ भेजा। वे विजयनगर की सेना के साथ भिड़ गए लेकिन उसे परास्त कर खदेड़ दिया। देवराय द्वितीय ने अपनी कूटनीतिक बुद्धि से मोहम्मद खान को अपने ही भाई के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर किया। मोहम्मद खान ने इमादुल मुल्क को मारा। राय की मदद से शोलापुर, नालंदा से लेकर रायचूर और मुगदल तक कई किलो पर अधिकार कर लिया और उसके सिर पर ताज। घटित घटनाओं से व्यथित सुल्तान ने दक्षिण की ओर कूच किया और अपने भाई को हरा दिया, जिसने हथियार डालकर अपने भाई का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। फिर खानदेश के मामलों ने उन्हें उत्तर में अभियानों का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया, जहां गुजरात और मालवा की सेनाएं भी खानदेश सेना के समर्थन में। वर्ष बीतता चला गया। दक्षिण में देवराय द्वितीय के भाइयों में से एक ने उन्हें और उनके रईसों को अपने द्वारा बनाए गए एक नए महल में एक दावत के लिए आमंत्रित किया। यहां उसने सभी रईसों की हत्या कर दी। देवराय किसी तरह हत्या के प्रयास से बच गए और अपने भाइयों को मौत के घाट उतारे। इस बारे में सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन ने तुरंत दूतों को 7 लाख वराहों के भुगतान की मांग करते हुए भेजा और उनकी मांग पूरी ना होने विजयनगर पर आक्रमण करने की भी धमकी दी। देवराय ऐसी मांगों से क्रोधित थे। उन्होंने सिन्हल में दूत भेजकर तुरंत लक्काना ध्यान नायकों को तुरंत राजधानी लौटने का आदेश दिया और जो साम्राज्य में एकमात्र जीवित संप्रांत कुलीन थे उसकी वापसी के साथ देवराय द्वितीय ने बामनी प्रदेशों को तबाह करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। उसने गुलबर्गा की सीमाओं तक अपनी सेना का नेतृत्व किया और बड़ी संख्या में बंदियों को लिया और फिर अपने कदम दोहराने लगे। तब देवराय ने स्वयं मुख्य विजयनगर सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने तुंगभद्रा को अचानक पार किया और मुद्गल के किले को जीत और अपने पुत्रों को तलवार और आग से सागर और बीजापुर तक लूटने के लिए भेजा, जबकि उन्होंने खुद को कृष्णा के पास से रखा। इस आक्रमण से घबराए सुल्तान अलाउद्दीन ने तेलंगाना, दौलताबाद, विरार से अपनी सभी सेनाओं को बीदर में इकट्ठा होने का आदेश दिया। उसने 50,000 घोड़े, 60,000 पैदल और काफी तोपखाना लेकर राय के खिलाफ चढ़ाई की। यहां पिछली बार की तरह जब देवराय एक राजकुमार उदीस राज्य से फिर आक्रमण, जबकि राय बामनियों के साथ युद्ध में शामिल है। रेड्डी शासक अल्लाडी और वीरभद्र गंगा राज्य की निरंतर आक्रमण की नीति पर चलकर राज्य की सीमा को चिल्का झील के किनारे तक आगे बढ़ा दी। गजपति कपिलेंद्र देव, जिन्होंने भानुदेव चतुर्थ की जगह ली, रेड्डी की आक्रामकता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने राजमहेंद्र साम्राज्य पर हमला किया जब विजयनगर बामनियों के साथ उलझा हुआ।
देवराय ने अपने सहयोगियों को परेशानी में नहीं छोड़ा। उन्होंने गजपति आक्रमण को पीछे ढकेलने के लिए मल्लप्पा उदयार को भावनी सीमा पर सुल्तान के आने पर राया मुदकल में स्थानांतरित हो गए और सुल्तान को परेशान करने के लिए एक बड़ी सेना को छोड़ दिया। सुल्तान मुदकल से 12 मील की दूरी पर रुका। मलिक अल्तिज्जर को राया के बेटों के खिलाफ भेज दिया, जबकि राया की मुख्य सेना के खिलाफ खान जमाउन और खान आजिम मलिक अल्तिज्जर रायचूर को घेरने वाली विजयनगर सेना के खिलाफ गए। यहां उसने राय के सबसे बड़े बेटे का मुकाबला किया जो घायल हो गया था और घेराबंदी को छोड़ते हुए अपने कदम दोहराने लगे। खान जमामुन की सेना मुदकल के पास राय की सेना से भिड़ गई। भामनियों को बड़ी संख्या में मार दिया गया और उन्हें पीछे धकेल दिया गया। दूसरी लड़ाई में कोई नहीं जीता, हालांकि तीसरी में देवराय के सबसे बड़े बेटे को खान जमाउन द्वारा फेंके गए भाले से मार दिया गया, जिससे हिंदू रंकों में खलबली मच गई और वे मुदकल के किले के अंदर सेनावृत हो। लेकिन भामनी मुदकल को वापस नहीं ले सके और राय ने दो उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में भामनियों को कैद कर लिया था। सुल्तान के पास कैदियों के बदले में राय के साथ समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंत में वह अपने प्रभुत्व में लौट आया। दूसरी तरफ मल्लप्पा उदयार ने गजपति कपिलेंद्र के आक्रमण को सफलतापूर्वक रद्द कर दिया और रेड्डी की शक्ति को बहाल करने के लिए राजमहेंद्र में बने रहे। देवराय द्वितीय के दरबार में पारस के शाहरुख के दूत अब्दुल रजाक आए, जिनका उपहारों के साथ स्वागत किया, जिसमें एक चीनी प्रशंसक पैसे सोने के सिक्के कपूर और सुपारी थी। अब्दुल रजाक ने मंदिरों बगीचों और महलों से भरे विजयनगर का वर्णन किया है। साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे, जिनमें से प्रत्येक कालीखट के बराबर था। राजधानी शहर किलेबंदी के 7 पर्तों के साथ अच्छी तरह से किलेबंद था। इसकी सुंदरता ऐसी है कि नेत्रों ने इसके जैसा स्थान कभी नहीं देखा और बुद्धि के कानों को कभी यह नहीं बताया गया है कि दुनिया में इसकी बराबरी करने वाला कोई चीज और मौजूद है। सम्राट 11 लाख सैनिकों के आदिश्वर है और पूरे हिंदुस्तान को खोजने पर भी ऐसा राजा कोई नहीं मिलेगा।